हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और दोस्तों, आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, और इसलिए इस व्लॉग को एंड तक देखना, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं कैंपिंग जंगलों के अंदर, यानी कि रामनगर से ऊपर। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है, अंकुर भैया बताएंगे और मैं इसके अंदर लोकेशन डाल दूंगा। लेकिन ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि ठंड पड़ रही है यहाँ पर भयंकर वाली, और अब कैंपिंग करेंगे हम लोग इसके अंदर। और साथ में सारे लोग हैं हमारे, हम लोग करीब 11 लोग हैं यहाँ पर। हैप्पी भाई हमारे रामनगर से हमें मिलेंगे, तो गाड़ियों में अब सामान रखा जा रहा है, और बाकी आगे की झलक मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और देखो दोस्तों, ये माल पानी रखा जा रहा है सारा, बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा है। हाय गाइस, आई एम गोइंग टू लंदन। लंदन कौन सा, उत्तराखंडी लंदन? नो, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, अच्छा यूके। अच्छा, तो दोस्तों अभी कार में सामान रखा जा रहा है और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। देख लिया जीरो। तो आज सर पूरी टैंक फुल करवाने वाले हैं, वो भी 1000 रुपये में। अरे यार, पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, 1000 का डलवा लो प्लान। ओके, तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, मुरादाबाद से, और अभी हम ठाकुर द्वारा पहुँचने वाले हैं। अंकुर भैया आगे अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखाना सुदर्शन सामने पास। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल तो चुके हैं, रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, क्योंकि अभी हम लोगों को पहाड़ पे भी चढ़ाई करनी है और काफी ज्यादा ऊपर जाना है। तो अभी चल रहे हैं, रास्ते का आनंद लीजिए आप भी हमारे साथ। तो गौरव, अगर लेपर्ड आ गया तो तू क्या करेगा वहाँ पर? मैं तो बगल को उसके साथ चलाया हूँ। किसके साथ? लेपर्ड के साथ। लेपर्ड के साथ? कि इतना पुराना रिश्ता है क्या? अच्छा, सही है। अच्छा, ये मोगली है, मोगली। फिर से करो जिंगल लाला हो करो भैया। तो दोस्तों, जैसे कि तुम देख रहे हो, लड़के बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, खास तौर से गौरव हमारा, ये बहुत ही ज्यादा नॉटी है, हमारे साथ में रहता है। तो ट्रिप का मजा यही ज्यादा, और यही पूरा आनंद दिलवाने वाला है, और ये मजा हम पूरे इंडिया को देने वाले हैं। बिल्कुल। So, और भी ज्यादा मजे के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी कर दे साथ में। तो दोस्तों अभी हम लोगों को चलते चलते करीब 2 घंटे हो गए हैं, और लड़कों को भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। सब लोगों ने जल्दी जल्दी सुबह ही सुबह ऐसे ही आ गए मुंह उठा करके, और अब खाना वाना खाना है, तो कहीं रुकते हैं और कुछ चटपटे पकवान खाते हैं। कुछ ना कुछ क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, देखते हैं। ये जा तो रहा है कुछ खाने का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुके हैं ठाकुर द्वारा के पास कुछ पेट पूजा करने के लिए। लड़के वैसे कुछ ना कुछ खाने के लिए तरस रहे हैं बहुत देर से, तो इनको भूख लग रही है, तो हमने गाड़ी वाड़ी यहाँ रोकी है अंकुर भैया ने और मैंने। तो अब कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतने यहाँ पर चाय बन रही है और हम लोग समोसा लेने जा रहे हैं सामने से। भूख लग रही थी समोसे लेने। तो दोस्तों, जैसे कि सुदर्शन ने अभी समोसा लिया था, तो खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा था, इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ ले रहा हूँ इनसे भैया से खाने के लिए। हो गया भैया? अरे क्या हुआ भाई? रेड वाला तो यार 140 का पड़ेगा। एक येलो है, एक ब्लू है, रेड भी पैसे दे कितने दे? 100 करोड़ दे। चलो अभी देर बाद आइए। चैन दे दो, करो बेचैन। चैन ले, चैन है तेरे जीवन में, बेचैन है तू, बेचैन। मुझे पता कैमरा तो यहाँ सही है ना, तो आता ही ना। अरे बात किस चीज की हो रही है तो बता दो। ये हम चश्मे की डील चल रही है हमारी। अच्छा, चश्मे की डील चल रही है। एक चश्मे हमने ले लिया है 100 रुपए। तो दोस्तों पेट पूजा हो गई है, अब आगे निकलना है और हमें वहाँ पहुँचना भी है, क्योंकि हमें वहाँ पे अपने टेंट भी लगाने हैं, और थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है, तो हमें थोड़ा जल्दी भी निकलना है। ऑलरेडी हम यहाँ पर इतना लेट हो गए हैं, तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए गाइस, सर बिना हाथ से स्टेयरिंग संभाल रहे हैं, इसे टेस्ला बना दिया है सर ने, डॉक्टर सेन की तरह संभाल रहा है। तो दोस्तों हम लोग रामनगर से सीतावनी की साइड मुड़ चुके हैं, और हमारी लोकेशन अभी काफी दूर है, लगभग 30-40 किलोमीटर ऊपर हमें जाना है, और अभी भी हमारी मंजिल पास नहीं आई है। पाठकोट यहाँ से 26 किलोमीटर रह गया है, तो अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ के थोड़े से वाइल्ड लाइफ के नज़ारे आपको दिखाएंगे।
दोस्तों मैं आपको एक ऐसा व्यू दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, बीच में थोड़ा सा स्टॉप लिया है, फोटोग्राफी होनी है। और मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि रामनगर से हमारे भाई हैं, जिनका नाम है हैप्पी भाई। हैप्पी भाई यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। अबे ये कहाँ से आ गया घड़ियाल हमारा? हैप्पी तो यही है, आज तो लौंडा हैप्पी है। तो मिलिए हमारे हैप्पी भाई से, और ये रामनगर में रहते हैं और ये जितने भी यहाँ पर टूर्स वगैरह होते हैं सारे कराते हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं और हमारे भाई हैं ये। हैप्पी भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है ये अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो जितने भी मेरे साथ के भाई लोग हैं मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि अपने दोस्तों को और लाइए मेरे साथ, नेचर का मजा लीजिए, जंगल कैंपिंग कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, हाइकिंग कीजिए और नेचर के साथ जुड़ के रहिए बस। तो दोस्तों अगर आपको आना है तो कोई भी है ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा मुझे पर्सनली, मैं हैप्पी भाई का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, इनसे मिलिए और पेटीएम जरूर कर दीजिएगा इनको वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप आइए और यहाँ का मजा लीजिए। अभी हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो कि सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको लास्ट में, वहाँ हमें जाना है। काफी ज्यादा हाइट पर रुकने वाले हैं और रात में हालत खराब होने वाली है। सुदर्शन ऊपर गया है सुसुकन ने, पीछे से छापा मारते हैं। मेरी इज्जत दांव पे लगाई बेटा, उस वाले व्लॉग में भी किया था तुमने। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं क्योंकि ऊपर हिल्स पे हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और आपको दिखाता हूँ, स्पेशली हमने ये अमेजोन से ऑर्डर किया है बैग, तो अंकुर भाई हमारे पानी भरेंगे इसके अंदर। पानी देख पाए हैं, ये आ रहा है पहाड़ों की गोदों में से, गर्भ में से है, टॉप से आता है। बताओ देखो दोस्तों इतनी ऊंचाई से पानी आता है, इतनी ऊंचाई से आता है पानी। गाँव जो है ना यहीं से ही पानी भरता है, जितना भी है। अच्छा, पूरे गांव में। तो दोस्तों अंकुर भाई बता रहे हैं, जैसे कि अंकुर भाई ज्यादातर आते रहते हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरे गांव को पानी जाता है। बताओ यहाँ से ये देखो, इसके सामने बेसिकली किंगले सब फूल। सही बात है, नेचर भरने वाला है और ये भर गया। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने वाटर ले लिया है क्योंकि ऊपर पहाड़ पर हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसी से हम लोगों को खाना बनाना है, सारी चीजें इसी से ही करनी है। और हमारे पास 20 किलो पानी है बस, 20 लीटर जल ही जीवन है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने वेन्यू पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें कैंप लगाने हैं, अपने टेंट लगाने हैं, और यहाँ से नजारा देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो मेरे पीछे हिल्स हैं और यहाँ से नीचे देखो पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आए ऊपर लगेगा, ऊपर ही लगेगा आराम से भैया, आराम से आराम है। गांधी जी लग रहे थे इधर, आती है गाड़ी, आती है हल्के फुल्के, आप गाड़ी नहीं है शर्मा जानवर नहीं आते हैं, जानवर आते हैं। अच्छा उधर जंगल में आते हैं, बाघ आते हैं, बाघ चले यहाँ, टाइगर बड़ा शेर आता है यहाँ, आता है नहीं आया, कुकरी बाघ, कुकरी बाघ भी आता है। तो हैप्पी भाई अभी हम कहाँ पर आए हैं जरा बताओगे? अब हम आ गए हैं गोत्रो स्थान से थोड़ा सा पास में, रानीखेत वाली रोड पे। ये रोड यहाँ से बेताल घाट को भी निकलती है और सीधा रानीखेत अल्मोड़ा को निकलती है। अच्छा व्यू आप देख सकते हो, हम समुद्र तल से कम 3000 फीट की ऊंचाई पे, 3000 फीट तो बहुत ज्यादा ऊपर है। ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हम टेंट लगाएंगे और दो रात अपनी यहाँ पे स्पेंड करेंगे नेचर के बीच में जानवरों के साथ। तो मजा आने वाला है आज, बहुत मजा आने वाला है तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हम लोगों ने अपना सामान निकाल लिया है, खाने पीने का जो भी है, और अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पर जहाँ पर हम लोगों को अपना टेंट लगाना है। बस इधर लिया बाबा सामान, यहाँ लगवा दे रहा हूँ निभाई। लौंडे मेहनत करते हैं, तुम टेंट इधर भी लगाओ, टेंट तो यहाँ भी आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? अरे यार हिल जा थोड़ा यार, बात देखो
है मेरे अंदर चला नहीं जा रहा, नहीं चला यार, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, मजा आ गया ऐसी जगह मेरे साथ। तो गाइस अभी टेंट का सेटलमेंट हो रहा है कि कहाँ लगेगा टेंट हमारा और बॉन फायर कहाँ होगी, कहाँ खाना बनेगा, ये सारी चीजें अभी सेटलमेंट हो रहा है। टेंट लग चुके हैं और देखिए किस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहला ही ऐसा कैंप है जिसमें मैं टेंट में सोने वाला हूँ। सर आप सोओगे भी? व्लॉगिंग कौन करेगा फिर? और ये हमारा तीसरा टेंट, और क्या लेगा, और ये रॉन्ग टर्न नहीं है, ये थॉर की कुल्हाड़ी लेकर आए हो तुम। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से हम मुझको फील हो रहा होगा और हम सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो व्लॉग तो देखते रहिए और मज़ेदार चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगे क्योंकि अभी यहाँ पर चिकन वगैरह भी ये लोग लेकर आए हैं, वेज का आइटम भी है, तो वो बनाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से इसमें बनेगा और एक थोड़ा वाइल्ड लाइफ को इन्जॉय करते हुए दिखेंगे इसमें। यही है जो नीचे दिख रहा है, कितना 2000 फीट ये जो नीचे दिख रहा है, ये नीचे जो नीचे नदी दिख रही है 2000 फीट और लैंडस्लाइडिंग मुझे भी मेरे सामने लगभग 2 महीने पहले। अच्छा ये वाली बड़ी तगड़ी। हाँ तो फिलहाल तो इस समय हवा बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है लेकिन ये रात में हवा खराब करने वाली है दोस्तों। रात को यहाँ पे टेम्परेचर पहुँचने वाला है कम से कम -1 या 2। अच्छा यहाँ पर लड़के बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार यहाँ पर मतलब रात में जानवर आने का खतरा है या नहीं है। जानवर आता है इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है लेकिन ये होता है कि जब तक हम जानवर को नहीं छेड़ेंगे या अटैकिंग नजर से नहीं देखेंगे तो हमें कुछ नहीं करता। अच्छा। वो आएगा अपने वे से, जिस वे पे जा रहा होगा और चले जाएगा। और अगर वैसे कुछ इंतजाम हम कुछ लाइक करते हैं अपने बचाव के लिए या उसको मारने के लिए तो ऑफकोर्स वो अटैक करेगा, उससे भी अपना डर होता है। फिलहाल प्रिकॉशन तो लेकर चलता है हर इंसान लेकिन फिलहाल ऊपर वाला मालिक है। अगली सुबह दोस्त नेचर से जुड़े रहो, अगर सही सलामत रहे तो ये ब्लॉग आ जाएगा, अदरवाइज तो लग गई लंका। ये माल माया हो यार, तो थकेली भाई लिया था यार। ए कोई ना खाओ ये वो लग रहा है 100 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर सैंडविच बन चुके हैं और ऋषभ भाई ने सैंडविच बना दिया और सैंडविच बन गया। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर 2 दिन रुकने वाले हैं, आज की रात और कल की रात, और पूरा खाने का इंतजाम के साथ आए हैं। देखिए यहां पर नीचे सारा सामान है, प्याज व्याज सब कुछ है, आइटम वगैरह सारे हैं। गौरव भाई मस्त हैं, ये देखो टमाटर तो दो ना, कहीं फंसती भी नहीं, देखो दूर दूर तक। सर एक बार फिर, सर एक बार, हाँ रुक जा रुक जा, दोबारा वो करेंगे, एक बार राउंड लग जाएगा। ये क्या डाला, मैगी मसाला? लो भाई हो गया काम से, चेक करेगा हमें नीचे। जाओ अब मिल गया, जाओ 4-5 बजे दांत वो भी मिलवाओ क्या? वहाँ मजा आ गया। ये तो पोटा है, पोटा भी हो रहा, पोटा भी है और वो भी है चिकन भी। एक आध उसने छोड़ दी होगी, छोड़ दी होगी, इस चक्कर में लड़ाई करवा दो, बोल दो अंकल को। अबे कलेजी निकले इसमें, पत्ती ला तुम्हारे हाथ है नीचे रख ले। रात ही धो रहा था जब आप देखे गए थे ना, तभी धो रहा था मैं, फिर मैंने कहा यार कि काम इतना है, सामान बहुत है, फिर भूल जाऊंगा चीजें। अंकुर भाई पानी तो और लाना पड़ेगा फिर आपको, पानी लाएंगे यार। हाँ पानी तो आएगा। तो 4 किलोमीटर हमने नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों पानी भरने के लिए दोबारा से वापसी, क्योंकि पानी की कमी हो गई हमें, हमें नहीं हमारे पास पानी की कमी हो गई।
हमारी तो सही है। और ये हमारे लकड़हारे दोनों लकड़ी काटते हुए, और ये हमारे सलीम भाई, अबे जमीन मत खोदो लकड़ी काट लो। मामा हथियार। मामा हथियार। बाहुबली और याद तो सूखा है ये तो पेड़। हाँ, और यहाँ पर चिकन धोते हुए हैप्पी भाई, कितना लाए अंगूर है चिकन? 5 किलो चिकन, 300 ग्राम पनीर लाए। पनीर 300 ग्राम मात्र, 1 किलो, 1 किलो तो लाते वेज वालों के लिए यार। एक जाना है। वेज वाला कौन है? मैं हूँ तो। ये तो फिर भी हद साफ ना, बहुत साफ है यार। तो दोस्तों फाइनली रात की तैयारी चल रही है, और मैरिनेट करने के लिए पनीर टिक्के को हमने यहाँ पे मसाले वगैरह डाल के मैरिनेशन के लिए रख दिया है, और अब थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ते हैं, इसके बाद इसको बनाएंगे और मज़े लेंगे इसके। तो गाइस आप लोगों ने देखा था चिकन को और पनीर को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और इधर ही हमारे मन्नी भाई जो हैं यहाँ पर नेचुरल चूल्हा जलाते हुए दिखाई देंगे आपको, और ये पहाड़ों में इन्होंने छोटा सा चूल्हा जलाया है, आग लगाई है। और मन्नी भाई अब यहाँ पर थोड़ी देर में डिलीशियस से पकवान बनाते हुए नज़र आएंगे, तो मज़े लेंगे इनके पकवानों का भी। और यहाँ गौरव भाई हमारे प्याज काटते हुए चिकन के लिए और पनीर के लिए। चाप बनेगी आज? नहीं बनेगी गौरव भाई, चाप भी बनाई जाएगी। तो गाइज यहाँ पर पीछे अभी खाना वगैरह बन रहा है, और अब सनसेट का टाइम है, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा औसम है। देखो दोस्तों पीछे मेरे सनसेट होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है सही में। आज जन्नत का मज़ा मिलने वाला है, बस रात अच्छे से निकल जाए। बाकी दिन में तो बल्ले बल्ले है ही। तो बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल, एकदम शांत जगह है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से आ रही हैं, और मज़ा आ रहा है सही में। देखो तो दोस्तों आपने देखा कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर है, और इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं दोनों, एक गाड़ी अभी गई हुई है अंकुर भैया हमारे, और हैप्पी भैया जो हैं वो नीचे गए हैं 4-5 किलोमीटर, तो वहाँ से थोड़ा रात के सोने के लिए हमें बिस्तर वगैरह अरेंज करने हैं, तो लिहाफ गद्दे वगैरह ये लेकर आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर। बाकी इधर खाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो खाना वगैरह बनाया जा रहा है, और यहाँ पर गौरव हमारा सो गया है टेंट के अंदर, तो अब रात इन्जॉय करेंगे यहाँ पर, और लकड़ी वगैरह भी अरेंज कर ली गई हैं। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, रात का थोड़ा सा दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। ये अंडे आ गए, अंडे, और ये बिस्तरे आ गए सारे। नीचे मत रखना, वो चिपक जाएंगे, सीधे उसके रखो, मैं स्टैंड के अंदर डालो। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हैप्पी भैया जी के, यानी हमारे जीजा जी से, राजू जीजा जी से, और वो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में कि कुछ खास बातें जो हम लोगों को नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता, इनके माध्यम से जो पता चल सके। हम जहाँ इसमें बैठे हुए हैं, ये है उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में डॉन प्रेवा गाँव, और जिस जगह पर हम अभी हैं ये इसको गडेला के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है गुलजू का मंदिर, वहाँ पर क्या कहते हैं मन्नतें मांगी जाती हैं, अगर आपने मन्नतें मांगी वो आपकी पूरी होती हैं, तो वहाँ चढ़ावा होता है। मंदिर इस टाइप का है कि वहाँ पर कोई मंदिर बनाया नहीं गया है, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने पत्थरों को देवी देवता मान के उनके सब रूप अलग अलग प्रकार से रखे हुए हैं, उन्हीं को मानते हैं। यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर और आगे है, आपको कल जाके वो दिखाएंगे। जो भी लोग यहाँ पर अपना इंजॉय करने के लिए आते हैं और पर्यटक जो आ रहे हैं यहाँ पर एंजॉय करें, और हमारे उत्तराखंड को साफ सुथरा रखें और गंदगी ना करें। तो गाइस ये हमारे मन्नी भाई, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन्होंने, हमें सुबह से लेकर रात तक का पूरा खाना बनाकर खिलाया है, और मन्नी भाई आई लव यू, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो पूरी आग वगैरह लगाई है इन्होंने, और ये सारा मटेरियल आप देख ही सकते हैं, और अभी इन्हें खाना भी बनाना है, और 8:30 बजे हैं, और ऐसा लग रहा है 1 बज गया हो। सोचो इतनी जल्दी पहाड़ों में रात हो जाती है और सब जगह अंधेरा अंधेरा है। तो मन्नी भाई हमारे मेहनत करते हुए, 1 लाइक मन्नी भाई के नाम। मन्नी भाई सूरत तो दिखा दो अपनी। आप क्या बना रहे हो ये बता दो। तंदूरी चिकन बनाएंगे भाई साहब। अब तो गाइस यहाँ पर अभी चिकन फ्राई होते हुए देख सकते हैं आप लोग, कितनी बढ़िया तरीके से, देसी तरीके से चिकन फ्राई हो रहा है यहाँ पर। तार नीचे जा रही तेरी, जल जाएगी। तो
तो गाइस खाना पीना हो गया है, सारी चीजें हो गई, पेट पूजा हो गई है और अब सोने का समय आ गया है। हम लोग सोने जा रहे हैं टेंट के अंदर अपने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर और सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है इस समय। आप समझ नहीं सकते, हम लोग जितनी देर बाहर थे इतनी तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं कि सुनने सर में दर्द कर रखा है। मैंने एक ऊपर कैप पहन रखा है, देखो उसके ऊपर ये, और इसके अंदर एक और मेरे लगा रखा है कैप, उसके बावजूद मेरे सर के अंदर इस समय दर्द हो रहा है। तो अभी और रात में है ना, पारा भी गिरेगा यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने वाली है ये रात, तो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये भी एक पार्ट है इसका, तो मज़े लेते हैं इसके भी, देखते हैं कैसी होगी कल की सुबह, क्या होगा, हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में।